गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए हम शुरू करते हैं जो हमारा इस चैप्टर का जो कुछ सामने पड़ा था और जो छूट गया था। चैप्टर का नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, क्लास 9, मोमेंट्स। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। द किंग सेट जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, एंड एट वंस summoned the owner of the house। तो राजा कहता है कि तुम्हारे साथ न्याय होगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो और उस घर के मालिक को बुलाने के लिए अपने जो नौकर होते हैं, अपने जो सिपाही होते हैं, राजा भेज देता है। summoned का मतलब होता है तलब करना, बुलाना। ओनर ऑफ द हाउस माने घर के मालिक। When the merchant arrived, the king questioned him, "What is your name? Such and such, your highness." तो जब व्यापारी पहुंचता है तो उससे राजा पूछते हैं कि तुम्हारा क्या नाम है। तो जो मर्चेंट है, व्यापारी है, वो जवाब देता है कि साहब मेरा ये नाम है। फिर राजा उससे पूछते हैं, "Were you at home when the dead man burgled your house?" Burgled का मतलब होता है सेध मारी करना। तो राजा उसे पूछते हैं कि जब ये व्यक्ति जो मरा हुआ पड़ा है, जब ये तुम्हारे घर में सेधमारी कर रहा था, तुम कहाँ थे? राजा पूछते हैं कि जब ये जो सेधमार है, जो ये चोर है, जो ये सेधमारी कर रहा था, उस समय तुम कहाँ थे जब बर्गल्ड सेधमारी कर रहा था? बर्गल्ड माने सेधमारी करना, सेधमारी कर रहा था, तो तुम कहाँ थे? तो जवाब देता, यस माई लॉर्ड, हाँ माई लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक। कहा उसने, कहा व्यापारी ने कहा कि हाँ श्रीमान, इसने तोड़ा, दीवार कमजोर थी, इट फेल ऑन हिम, उसके ऊपर गिर गई। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी। तो एक्यूज्ड माने क्या होता है, मैंने आपको लिखवाया, एक्यूज्ड का मतलब होता है अभियुक्त। तो उसने कहा, अभियुक्त ने, द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी। तो जो व्यापारी था उसने कहा कि मैं अपनी गलती मानता हूं। द एक्यूज्ड प्लीड्स, उसने कहा कि श्रीमान मैं गलती स्वीकार करता हूं। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, राजा ने कहा कि तुम्हारे इस दीवाल ने इस भाई, इसके भाई को मार डाला है। यू हैव मर्डर्ड ए मैन, तुमने एक आदमी की हत्या की है। वी हैव टू पनिश यू, इसका तुम्हें दंड मिलेगा या मैं इसके लिए तुमको दंड दूंगा। लॉर्ड, सेड द हैप्पीनेस मर्चेंट, आई डिड नॉट पुट अप द वॉल। तो उसने विनम्रतापूर्वक जो है अपनी गलती स्वीकार कर ली। राजा ने कहा, योर वॉल किल दिस मैंस ब्रदर, तुम्हारे इस दीवार ने इसके भाई को मार डाला है। यू हैव मर्डर्ड ए मैन, तुमने एक आदमी की हत्या की है। वी हैव टू पनिश यू, हम लोग तुमको दंड देंगे। लॉर्ड, सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, ही डिड नॉट बिल्ड इट राइट, यू शुड पनिश हिम। तो वो जो हेल्पलेस पर्सन था, जो जो निसहाय, जो व्यापारी था, वो कहता है, मिलॉर्ड, मैंने ये दीवार नहीं बनाई, इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द, ये मेरी गलती नहीं है। वास्तव में किसकी गलती है? वास्तव में उस व्यक्ति की जिसने इस दीवार को बनाया। ही डिड नॉट बिल्ड इट राइट, उसने इस दीवार को सही से नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम, मिलॉर्ड, आपको उसको जो है दंड देना चाहिए। हु इज दैट माई लॉर्ड, हु इज दैट, राजा पूछता है कौन है वो? माई लॉर्ड, दिस वॉल was built in my father's time, I knew the man, he is old man, he lives nearby। तो राजा पूछा कौन है वो? तो व्यापारी ने कहा कि महाराज, ये दीवार मेरे पिता के समय की बनी है, मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसने इस दीवार को बनाई, वो मेरे बगल में ही रहता है, lives nearby माने मेरे बगल में ही रहता है। The king sent out messengers to bring the bricklayer who had built the wall, they brought him टाइट हैंड एंड फूट। तो राजा ने क्या किया, अपने मैसेंजर्स को
जो राजा के मैसेंजर्स थे संदेशवाहक, उनको भेजा कि उस ब्रिक लेयर को बुला लाओ। ब्रिक लेयर मैंने आपको लिखवाया माने राजगीर, जो मिस्त्री होते हैं जो घर बनाने का काम करते हैं। तो राजा ने अपने संदेशवाहकों को भेजा कि तुम उस मिस्त्री को, उस राजगीर को बुला लाओ जिसने इस दीवार को बनाई है। दे बॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट। जो राजा के मैसेंजर्स थे क्या किए, उस राजगीर का हाथ और पैर बांध कर ले आए। यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन द फादर्स टाइम। तुमने इस आदमी की दीवार बनाई है इसके पिता के समय। राजा ने कहा तुमने इसके दीवार बनाई है इसके पिता के समय। तो वो जो राजगीर बोला यस माय लॉर्ड आई डिड। हाँ माय लॉर्ड, हाँ श्रीमान मैंने ही बनाई है। व्हाट काइंड ऑफ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ड। किस प्रकार का तुमने ये दीवार बनाया। इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम। एक गरीब के ऊपर गिर गया और उसको मार डाला। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने हत्या की है। यू हैव टू पनिश यू टू डेथ, तुमको इसका दंड मिलेगा, तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा, तुम्हें इसका मृत्यु दंड मिलेगा, ऐसा राजा ने कहा। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन द पुअर ब्रिकलेयर प्लीड प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर। जब तक कि राजा की इस बात का एग्जीक्यूशन हो, माने राजा की बात की आज्ञा का पालन किया जाए, वो जो गरीब जो राजगीर जो कामगार था उसने निवेदन किया प्लीज लिसन टू मी, हे महाराज कृपया मुझे सुना जाए। बिफोर यू गिव योर ऑर्डर, इससे पहले कि आप अपना निर्णय सुनाए कृपया मुझे भी सुना जाए। इट्स ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड। ये सही है कि मैंने यह दीवार बनाई है और ये अच्छी नहीं है। बट दैट वॉज बिकॉज ऑफ माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट। इसमें बट दैट वॉज बिकॉज ऑफ माई माइंड वॉज नॉट इन इट। इसका कारण यह था कि जब मैं ये दीवार बना रहा था तो मेरा ध्यान उधर नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल, मुझे बहुत अच्छे से याद है ए डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विथ हर एंकलेट जिंगलिंग। उसने कहा हे महाराज मुझे अच्छे से याद है कि एक जो नाचने वाली लड़की थी वो कई बार उस सड़क से इधर से उधर अपने पायल को झंझनाते हुए आती थी जाती थी। एंड आई कुड नॉट कीप ऑन आईज ऑन माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग। और तब उस समय मैं उसको देखता था, मेरा दिमाग उसकी तरफ चला जाता था जब मैं यह बिल्डिंग बना रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल आई नो वेयर सी इज। तो हे महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उस डांसिंग गर्ल ने मेरा ध्यान भटकाया, अतः उसको उस डांसिंग गर्ल को बुलाया जाए। आई नो वेयर सी लिव्स, मुझे पता है वो कहां रहती है। यू आर राइट द केस डिपेंस। राजा ने कहा ठीक है द केस डिपेंस, डिपेंस मैंने और गंभीर। अभी केस और गंभीर हो गया, मामला और उलझने लगा। वी मस्ट लुक इन टू इट, हम उसको देखेंगे। इट इज नॉट इजी टू जज सच कॉम्प्लिकेट केस, लेट्स गेट द डांसर वेयर एवर सी इज। यह बहुत आसान नहीं है, इट्स नॉट इजी टू जज, इसका निर्णय सुनाना बहुत आसान नहीं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड उलझा हुआ केस है। लेट्स गेट द डांसर वेयर एवर सी इज, जाओ और उस डांसर को बुलाओ जहां भी हो। द डांसिंग गर्ल नाउ एंड ओल्ड ओमैन कम ट्रैम्बलिंग टू द कोर्ट। अब वो डांसिंग गर्ल जो क्या हो गई थी, बूढ़ी हो गई थी, वो ऐसे कांपते हुए राजा के दरबार में पहुंचती है। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मेनी इयर्स अगो व्हाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, डिड यू सी हिम। राजा ने उससे पूछा बहुत समय पहले क्या तुम इधर से उधर सड़क पर जा रही थी जब ये गरीब बेचारा दीवार बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने उस समय उसको देखा था। तो उस बूढ़ी औरत ने जो कि डांसर थी पहले, उसने कहा यस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेल, हाँ श्रीमान मुझे अच्छे से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विथ एंकलेट जिंगली, तो तुम उस समय इधर उधर अपने पायल की झंकार से इधर उधर टहल रही थी, तुमने ऐसा किया। यू वेयर एंग एंड यू डिस्ट, तुम उस समय जवान थी और तुमने इस राजगीर का, इस मिस्त्री का ध्यान भटकाया। सो ही बिल्ड अ बैड वॉल, जिससे कि ये एक बैड वॉल बनाया। इफ इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर, बर्गलर माने सेधमार, और इस तरह से यह जो है दीवार गरीब सेधमार के ऊपर गिरा एंड किल्ड हिम और उसको मार डाला।
यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक इनोसेंट माने बेकसूर आदमी को मार डाला, वी विल हैव टू पनिश्ड, मैं इसके लिए तुमको दंड दूंगा। सी थॉट फॉर अ मिनट एट सेंड, कुछ समय के लिए उसने सोचा और कहा, माय लॉर्ड वेट कीजिए, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, मुझे याद आ रहा है कि मैं क्यों उस सड़क पर कई बार आई और गई। आई हैव गिवन गोल्ड सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर हिम, उसने कहा कि मैंने कुछ सोना सुनार को दिया था अपने लिए ज्वेलरी बनवाने के लिए। He was a lazy scoundrel. He was lazy. लेजी माने आलसी और स्काउंड्रल का मतलब क्या होता है, मैंने लिखवाया है दुष्ट। तो उसने कहा He was lazy scoundrel, वह दुष्ट आलसी था। कौन? ज्वेलर, गोल्ड स्मिथ जो है दुष्ट और आलसी था। He made so many excuses, उसने बहुत सारे बहाने बनाए। Said he would not give it now and he would give it then and so all the day, उसने बहुत सारे बहाने बनाए, आज देंगे कल देंगे, ऐसा करते हुए उसने बहुत दिन मुझे दौड़ाया। He make me walk and down to his house a dozen time, और उसी के कारण मैं कई बार आई और गई, मैंने दर्जनों बार आई और गई उसके घर। That was when the bricklayer Swami, और उसी समय इस कामगीर इस राजगीर ने मुझे देखा। It's not five part, इसमें मेरा दोष नहीं है। My lord, it's the damned goldsmith's fault. It's the damned goldsmith fault. उसने कहा, हे महाराज, इसमें उस घृणित, damned माने होता है घृणित, सुनार की गलती है। Poor thing sees absolutely right. Poor thing का मतलब होता है घटिया बात, राजा ने कहा घटिया बात। सीज एब्सोल्युटली राइट, वह सही कह रही है, वह सत्य है। दो द किंग वेइंग द एविडेंस, सो पुअर थिंग, राजा ने कहा घटिया बात है। सीज एब्सोल्युटली राइट, सीज एब्सोल्युटली, डांसिंग गर्ल जो है बिल्कुल सही कह रही है। दो द किंग वेइंग द एविडेंस, यद्यपि राजा क्या कर रहा था, एविडेंस का, साक्ष्यों का मूल्यांकन कर रहा था, पर भी फिर भी उसने कहा कि यह बहुत घटिया बात है, ये लड़की सही कह रही है, ये दोषी नहीं है। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट। कल्प्रिट का मतलब मैंने लिखवाया है आपको, देखिए कल्प्रिट का मतलब अपराधी। वी हैव गॉट द रियल, अब जाके हम लोग सही अपराधी को अंत में पकड़े हैं। गेट द गोल्ड स्मिथ Over here, he is hiding at once. जहां भी वो सुनार छुपा हो उसको तुरंत पकड़ के लाओ, ऐसा राजा ने आदेश दिया। The king whelps search for the goldsmith. Whelps मने होता है कारिंदे। कारिंदे का मतलब जो न्यायपूर्वक राजा का काम करते हैं उसको whelps बोलते हैं। कारिंदे, द किंग्स वेलिप्स सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, तो राजा के जो कारिंदे थे उन लोगों ने उस सुनार की खोज शुरू कर दी। हुआ हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, वो अपनी दुकान में ही एक किनारे छुपा हुआ था। व्हेन ही हर्ड द एक्यूजन अगेंस्ट हिम, ही हैड हिज ओन स्टोरी टू हिम। व्हेन ही हर्ड माने जब उसने सुना, द एक्यूजन माने उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए, एक्यूजन माने आरोप, अगेंस्ट हिम माने उसके ऊपर, तो जब वो सुना कि उसके ऊपर आरोप लगे हैं तो उसने भी एक कहानी क्या की, गढ़ ली।